हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी एक कुतुब मीनार का सेकंड पार्ट है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खलजी का मकबरा देखने, जैसे कि आप लोग आगे देखे होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और इसका कुतुब मीनार का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके फटाफट से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके फर्स्ट पार्ट का। तो चलिए हम लोग देखते हैं खलजी का मकबरा। और ये कुछ इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है कुतुब मीनार का, और भी जो अगल बगल का पार्ट है ये सब। तो ये है खलजी का मकबरा, यहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं। मैडम जी यहाँ पे बैठ चुकी है, पोज दे चुकी हैं, अब बस इनका फोटो शूट करना है। तो चलो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके इनकी पहले फोटो ले लेती हूँ। ये देखो, दोनों मौसी और भांजा दोनों बैठ गए, और ये हाथों में तो ऐसा लग रहा है जैसे गांव भर के स्वेटर लिए हम। एक्चुअली जब हम लोग घर से आए तो बहुत ज्यादा ठंड थी, और यहाँ पे अभी धूप हो गई है तो हम सबका स्वेटर जैकेट निकल गए हैं। तो चलो मैं वीडियो को स्टॉप करके इनका फोटो लेती हूँ, पहले पोज दे के बैठे हुए। और यहाँ ये दोबारा से फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बैठी है, और मैं फ़ोटो क्लिक करने की बजाय वीडियो बना रही हूँ। उसे वही हंसी आ रही है कि दीदी आप वीडियो बना रही हो कि फ़ोटो ले रही हो, देखो उसे भी हंसी आ रही है। ये कपड़े बेचने वाली हैं, 50-50 रुपए के कपड़े हैं, सेल है, 50-50 की सेल है। ये कपड़े वाले हैं, कपड़े बेच रहे हैं। यहाँ पे ही हो रहा था हमारा फोटो सेशन। यहाँ एक गेट से घुसो, दूसरे से निकल जाओ। ओ, ये रूम है, वाह। टॉर्च चला के देखो कि दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो अच्छा दिख रहा है। और अब हम लोग इस साइड में आए हैं, इधर में ये आयरन पिलर है, और इधर ये इस तरीके से किला जैसा बना हुआ है, इस पर शायद उर्दू में लिखा हुआ है कुछ। और ये जो आयरन पिलर है ये करीब यहाँ पे 1600 साल पहले लगाया गया था, और इसकी हाइट जो है वो 7.20 मीटर है, और ये 98% लोहे से बना हुआ है। लेकिन फिर भी अभी तक इसमें कोई भी जंग नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल भी जंग नहीं लगा हुआ है, इतना पुराना होने के बावजूद।
और ये अपने आप में ही एक अजूबा है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो ये भी यहाँ पे कुतुब मीनार में एक अनोखी चीज़ है कि आयरन पिलर में अभी तक 1600 साल पुराना आयरन पिलर में भी अभी तक जंग नहीं लगा है। और यहाँ पे इसके बारे में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। और बस यहाँ पे और यही सब चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, और बात बाकी और कुछ खास हमें दिखा नहीं, बस ये सभी हैं और ना ही समझ में आया। तो यही सब है, देखिए कुतुब मीनार ऐसे ही है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर, शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं करीब 4:30 बज रहे हैं। तो सब लोग बाय कर दो, बाय सिद्धांत, बाय। उसके अंदर एनर्जी नहीं बची, अभी थक गया है पूरा। तो बाय बाय कुतुब मीनार। तो अब इसी के साथ हम लोग ये अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। बाय बाय गाइस।